नैनीताल में हल्द्वानी के बनभूलपुरा उपद्रव मामले में जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर उस क्षेत्र के 120 असलहों के लाइसेंसों को अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया है। प्रशासन ने इस क्षेत्र में नोटिस जारी कर सभी से अपने लाइसेंस और शस्त्र संबंधित थाने में जमा करवाने को कहा है। बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पिछली 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाते समय एक उपद्रव सामने आया था। ये उपद्रव धर्म विशेष के अतिक्रमणकारियों के समर्थकों द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने अतिक्रमण हटाने आई नगर निगम की टीम, पुलिस वाले और जिला प्रशासन समेत पत्रकारों पर भी पत्थरबाजी, पेट्रोल बम और तमंचे से फायरिंग की थी। वहीं इस घटना के बाद उत्तराखंड सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वहां 8 की रात से कर्फ्यू और शूट एट साइट के आदेश जारी किए थे, जिसके तहत अब घटना स्थल पर धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन किसी भी अनहोनी से बचाव के लिए डीएम वंदना सिंह द्वारा शस्त्र लाइसेंस को अस्थायी रूप से निरस्त कर हथियार और लाइसेंस को जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। नैनीताल से संवाददाता भुवन सिंह ठटोला की रिपोर्ट। अभी उस दिन की जो वायलेंस हुई थी उसके बाद से बनभूलपुरा में स्थिति सामान्य है। हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में है। हल्द्वानी की जो भी अन्य जनजीवन की जो भी चीज़ें होती हैं, बसेज हैं, ट्रेन्स हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन स्टार्टेड अगेन। स्कूल्स खुल गए हैं, बाजार ओपन हो गए हैं। बनभूलपुरा क्षेत्र तक ही सारे रिस्ट्रिक्शन सभी लिमिट करे गए हैं। सर्च ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं। लोगों को, जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। अभी कुछ जो शस्त्र लाइसेंसेज हैं उस एरिया के, जो पुलिस रिपोर्ट में हम लोगों को इंटीमेट करे गए थे, वो सारे निरस्त करे गए हैं।